bismillahirrahmanirrahim Alaikum. i hope you all are fine and staying safe and happy i am your history teacher ms farheen and i welcome you all to your history class my dear students as you know that we are on unit number two that is the reforms which were introduced in the india after the fall of the mughal empire and during the brit uh, the rule of british empire so my dear students the slo that will be covered today is enlist a few reforms रिफॉर्म मूवमेंट्स इन अदर लाइक नॉन मुस्लिम कम्यूनिटीज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया सो माई डीय स्टूडेंट्स प्रीवियसली हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस कर रहे थे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एजुकेशनल एंड पोलिटिकल एंड सोशल इकनॉमिक्स दट व इंट्रोड्यूस बाई दियस इस्लामिक लीडर्स और मुस्लिम लीडर्स फॉर द बटरमेंट ऑफ द मुस्लिम्स लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से रिलिजन और बहुत से लोग जो है वो इंडिया में रह रहे थे तो उनके लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए गए या उन लोगों ने कौन से रिफॉर्म्स जो है वो लोकल लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाए और वो किस बारे में थे स लिए थे so we are going to discuss that today. So, सबसे पहले आ जाता है राजा राम मोहन रॉय इन एटीन ट्वेंटी एट एंड प्रमोटेड द मोनोथिज एंड द रैशनैलिटी अपोज आइडियल वर्शिप एंड द कास्ट सिस्टम एम्ड एट सोशल रिफॉर्म एन हिंदू सोसाइटी सो माय डियर स्टूडेंट्स इन्होंने uh, क्या रिफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने मोनोथिज्म जो है यानी कि यकताई जो है एक ताकत के ऊपर जो बिलीव है उसको जो है वो कहा कि ये नहीं उसको प्रमोट किया बल्कि और उसके बाद इन्होंने जो आइडल वर्शिप है उसको भी कहा कि ये नहीं होनी चाहिए बुतों की पूजा नहीं होनी चाहिए और इसके बाद इनका क्या कहना था इनका ये भी कहना था कि जो कास्ट सिस्टम और हायरार सिस्टम है वो भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लोगों को आपस में डिवाइड करती है और डिवाइड करने से क्या होता है डिवाइड करने से दूसरे लोग आपको ईजिली रूल कर सकते हैं नेक्स्ट वॉज द आर्या समाज एंड इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी

theosophical society so it was founded by the helena petrova and henry steele

उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ लिबर्टी या उनको जो है पेट्रियल सोसाइटी नहीं होने चाहिए औरतों को इक्वल समझना चाहिए और उनको भी जो है वो तालीम हासिल करने का और डिफरेंट पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रेसेस जो हैं उनमें आ, जो है वो आ, 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 हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए फर्दर दे वॉज़ प्रार्थना समाज एंड इट वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर अतमरम इन 1867 एंड इट प्रमोटेड द मोनथिज्मल इक्वेलिटी And it opposed idol worship and caste discrimination, focused on women's education. So तकरीबन आप देख रहे हैं तमाम जो रिफॉर्म्स हैं वो औरतों की तालीम के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर है कि ये जो मोनोथिज्म है उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए यानी कि आप एक खुदा जो है उसके ऊपर यकीन करें ना कि आप बहुत ज़्यादा जो आइडल्स हैं उनकी पूजा करें Further, there was an other uh, samaj which was Satya Shodak Samaj, and it was founded by Jyoti Rao in 1873, and in aim to lift up the oppressed classes, challenge the caste system, and promoted social justice for the untouchables and the women. सो so स्टूडेंट्स इन्होंने इंसाफ के बारे में बात की कि सिर्फ इंसाफ जो है वो लोअर तबकों के लिए नहीं होना चाहिए लोअर क्लास के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि तमाम लोगों के लिए इंसाफ एक जैसा होना चाहिए किसी को भी अनटचेबल नहीं होना चाहिए ये नहीं कि कोई भी कानून से बाला है इसके अलावा इन्होंने औरतों के राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाई सो माय डियर स्टूडेंट्स ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो कि नॉन मुस्लिम्स ने इंट्रोड्यूस करवाए सब कॉन्टिनेंट में फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट एटरटेनमेंट फ्रॉम बायो टीचर पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट आई होप एवरीबडी हैज फिनिश द वर्कशीट फॉर योर होम वर्क यू विल कंप्लीट दीज टू क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंट रिफॉर्म्स एंड माइड स्टूडेंट्स टूडेज कंक्लूजन इज़ के क्रिटिकल थिंकिंग या क्रूशल रोल जो है वो क्या था कि मुख्त जो रिफॉर्म्स और मूवमेंट्स हैं उन्होंने लोगों के सोशल uh, रिलीजियस और कल्चरल इशूज़ जो हैं उनको एड्रेस किया एंड फर्दर दीज मूमेंट्स प्रोमोटेड द इक्वालिटी एंड रेशनैलिटी एंड ऑल्सो एजुकेशन अमंग द पीपल एंड फर्दर द लेड द फाउंडेशन ऑफ फो फर्दर सोशल रिफॉर्म्स इन द इंडिया सो माई डियर स्टूडेंट्स इससे बहुत सी बेहतरी आई लोगों में क्योंकि लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता था उनको बहुत सी अवेयरनेस उनके अंदर पैदा हुई और लोग जो है वो उनके अंदर एक तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल और एजुकेशनल जो है वो अवेयरनेस और पावर जो है वो पैदा हुई आई होप यू हैव इंजॉय टू डेज लेक्चर स्टे सेफ थैंक यू सो मच हाफिज़